Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video we will see how to transfer your domain from one Hostinger account to another Hostinger account. Believe me guys, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रियल लाइफ स्टोरी पे ये आधारित है. जी हाँ गाइस, वो भी मेरी अपनी खुद की. क्योंकि अभी आपके लिए जो एक डोमेन, आप अगर आप कुछ भी बाय करते हो, आपको क्या लगता है, अरे यार महीने साल का सिर्फ 300 रुपया ही तो है, क्या जा रहा है, अगला खरीद लूंगा मैं, कुछ हो गया तो. बट नहीं गाइस, आप इमेजिन कीजिए, मैंने अपना खुद की कंपनी स्टार्ट की है codify.com एंड ऑलवेज वी नीड टू हैव वन पार्टनर. ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, तो हुआ ये कि गाइस उन्होंने डोमेन परचेस की, मेरे पास होस्टिंग पहले से पड़ा था तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. एंड हुआ ये कि वो जो डोमेन उन्होंने बाय की, मैंने जस्ट उनके अकाउंट से अपने होस्टिंग में उसको कनेक्ट की एंड हम उसको लाइव कर रहे हैं codify.com को. बट रिसेंटली उनके माइंड में ये हुआ कि वो ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस चला रहे अपने भी एंड उन पे उनका फोकस नहीं कर पा रहे थे एंड ना अच्छे से यहाँ पे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे इस कंपनी पे वो जो डायरेक्टरशिप है, ओनरशिप है, उसको लाइक खलास करके कंपनी का जो ग्रोथ है उस पर वो फोकस करेंगे. मैंने कहा नो प्रॉब्लम. बट मुझे तब एक चीज ये रियलाइज हुआ, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं अब इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूं ताकि मैं अपने कंपनी पे फोकस कर सकूं. तो इस केस में जो मेरा ये डोमेन था मेन, वो तो उनके अकाउंट पे, समझ लो कल के दिन उन्होंने अगर उस अकाउंट पे जाके कोई दूसरा वेबसाइट होस्ट कर दिया, ये मेरा अपना खुद की कंपनी कह दी, तो मेरे पास तो कोई प्रूफ रहेगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो उसको बाय नहीं किया. तो यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ एक पोटेंशियल प्रॉब्लम का, एंड दैट इज कल के दिन मेरी जो कंपनी, जो मैं सबको बोल रहा कि मेरी कंपनी codify.com, उसका डोमेन ही मेरे पास नहीं, उसकी ऑथोरिटी मेरे पास नहीं है, उसकी राइट्स मेरे पास नहीं है, वो किन्हीं और के पास है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ अब, कि बस किसी तरीके से मुझे उनके पास जो डोमेन है उसकी ऑथोरिटी मुझे मिल जाए, ताकि अब मेरे पार्टनर हमारे साथ काम करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डोमेन एंड देन जो होस्टिंग है दोनों मेरे पास अपने खुद का पर्सनल जो ईमेल आईडी है उस पर वो एकदम सेफ है. समझ रहे हो, अब आपको पता चला ना वैल्यू, क्यों डोमेन की राइट्स एंड होस्टिंग की राइट्स आपको अपने पास रखना जरूरी है. क्योंकि अभी तो आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फिलहाल उसके लिए आपने जो डोमेन बाय की होगी ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया या 499 ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर का. लेकिन लेट्स इमेजिन कि आफ्टर 5 इयर्स वो जो डोमेन है, आपकी जो कंपनी है, वो करोड़ों की वैल्यूएशन में चली गई, तब आपका वो जो डोमेन जो आपने 499 देके खरीदी थी भाई, आफ्टर लाइक करोड़ की वैल्यूएशन होने पे तो वो डोमेन की वैल्यू थोड़ी 499 रहेगी भाई, वैल्यू उसकी भी लाखों में चली जाएगी. तब आप क्या करोगे, डोमेन तो आपके पास है ही नहीं. आपको नो मैटर व्हाट जो आपके पार्टनर से उनको बोलना पड़ेगा, प्लीज ये मेरे नाम पे कर दीजिए, क्योंकि और आगे 5 साल में जाके बिलियन का हो गया वो, फिर तो गाइस अच्छा खासा बोल देंगे पार्टनर, एक काम कर बिलियन का हो गया वैल्यूएशन है ना, तो एक काम करो मुझे ज्यादा नहीं से 50 लाख दो, मैं ये डोमेन दे देता हूँ. मतलब जो आपने 499 रुपीज का डोमेन, अरे क्या हो गया, अपना पार्टनर है उन्होंने ले लिया, सोच के दिया उनको डोमेन, आगे जाके कंपनी की वैल्यू बढ़ गई तो तब उन्होंने 50 लाख मांग लिया. समझ रहे हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो. देखो गाइस मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे जो डायरेक्टर थे, मेरे जो पार्टनर थे, वो बहुत ही औसम है, हम उनको काफी समय से जानते हैं. उन्होंने खुद अपने एंड से कहा कि ये जो है मैं आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. मतलब मैं तो लकी निकला बहुत, लेकिन आपके केस में तो प्रॉब्लम हो सकते है ना. समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा सबके केस में, बट किसको क्या पता है यार, आगे जाके आपका पार्टनर का माइंड चेंज हो जाए या कंपनी बढ़ गई तो उनको लगे यार नहीं अब तो वैल्यू बढ़ गई, अब मुझे कुछ और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है गाइस आगे जाके. सो दैट्स व्हाई डोमेन एंड देन होस्टिंग की जो अथॉरिटी है, वैसे तो बहुत सारी होगी आगे जाके जब आप कंपनी स्टार्ट करोगे, लेकिन एटलीस्ट फिलहाल अभी के लिए तो ये डोमेन एंड देन होस्टिंग की जो अथॉरिटी आप अपने पास रखिए, ताकि जो भी आए जाए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अथॉरिटी आपके पास ही रहनी चाहिए, सिंपल. तो आई होप गाइस इस स्टोरी सुन के आपको एटलीस्ट इस वीडियो की वैल्यू जो पता चली होगी, वरना आपको लगता है यार डोमेन ही तो ट्रांसफर करना, वो भी होस्टिंगर टू होस्टिंगर, मेरा तो होस्टिंगर है भी नहीं. आपका होस्टिंगर नाउ डजंट मैटर, चाहे गोडैडी हो सकता है शायद, या ब्लू होस्ट हो सकता है, या बिग रॉक हो सकता है, ऐसे तो भरे उल्टा होस्ट, पता नहीं होस्ट बेट कुछ भी हो सकता है आपका, तो मतलब कमी थोड़ी है. तो मैं जस्ट सिनेरियो शेयर करना चाहता था जहां पे अगर किन्हीं और के अकाउंट से डोमेन बाय की गई, तो मतलब वो आपका डोमेन हुआ ही नहीं ना, वो तो किसी और के अकाउंट से बाय किया गया, तो वो जो डोमेन है आपको अपने पास चाहिए ही चाहिए, सिंपल. तो आई नो गाइस स्टोरी थोड़ी लंबी चली गई, बट आपको समझाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो देख लीजिए गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये हम होस्टिंगर टू होस्टिंगर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम होस्टिंगर टू बाकी अकाउंट पे नहीं कर सकते. फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंगर टू होस्टिंगर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत लकी निकला कि उनके पास भी होस्टिंगर का अकाउंट था, मेरे पास भी होस्टिंगर का अकाउंट था, तो ये तो बहुत ईजिली हो गया.
लेकिन वही अगर किसी का GoDaddy है, किसी का Bigrog है, Bluehost है, DigitalOcean है, जो भी है, वहां से भी अगर आपको होस्टिंग घर में आप यू नो ट्रांसफर करना है तो भी स्टेप्स बहुत ईजी है। एंड अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लिख दीजिए GoDaddy टू होस्टिंग या Bluehost टू होस्टिंग या DigitalOcean टू होस्टिंग, या अगर किसी का होस्टिंग घर में है एंड वहां से उनको किसी और पे ट्रांसफर करना है तो वो भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक और ऑसम न्यूज एंड देन हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। एंड दैट इज गाइस, मैं तो पिछले 5 साल से होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, एंड अगर आपके मन में ये था कि मुझे एक ऑसम सर्वर बाय करना है एकदम अफोर्डेबल प्राइस, एकदम कम प्राइस हो एंड लेकिन सर्विस एकदम बेस्ट हो, तो गाइस होस्टिंगर आपकी सर्विस करने के लिए एकदम रेडी है क्योंकि ये एकदम परफेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। एंड आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड जहां पे गाइस 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ऑलरेडी डिस्काउंट चालू है, प्राइस एकदम अफोर्डेबल है, फ्री ईमेल, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री AI वेबसाइट बिल्डर, फ्री WordPress 24/7 का चैट सपोर्ट, मुंबई में नया डेटा सेंटर एंड 30 डेज मनी बैक गारंटी है। सब कुछ ट्राई करके देख लो क्या जा रहा है, लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड थापा 7 कूपन कोड ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ऑल राइट गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब यहां पे बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे पहला तो ये कि 10 डेज के अंदर कभी भी वो ट्रांसफर नहीं हुआ होना चाहिए। I mean, इसका सिंपल मतलब ये है कि एटलीस्ट अगर उन्होंने पहले किसी और के अकाउंट पे ट्रांसफर किया हो तो आपको 10 दिन रुकना जरूरी है। लाइक आफ्टर 10 डेज आप वापस ट्रांसफर कर सकते हो, तो लाइक 10 डेज का इंटरवल होना जरूरी है। एंड अगर उन्होंने कभी कहीं ट्रांसफर किया ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आज ही कर लो, ठीक है। पहला कंडीशन ये कि 10 दिन रुकना पड़ता है आफ्टर ट्रांसफर, क्योंकि समय लगता है ना ट्रांसफर होने में। एंड गाइस सेकंड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपके जो पार्टनर है या आपके जो फ्रेंड्स है जिनके अकाउंट पे वो डोमेन ऑलरेडी परचेस की गई है, उनसे आप बात कीजिए एंड दोनों मिलकर ट्रांसफर कीजिए ताकि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, बस ये दो कंडीशन है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिनके अकाउंट से ऑलरेडी वो डोमेन परचेस की गई थी उनके अकाउंट से आपको लॉग इन करना है, डोमेन्स पे क्लिक करना है एंड आपको उस पर्टिकुलर डोमेन को सेलेक्ट करना है जिसको आपको ट्रांसफर करना है। एंड हमारे केस में वो बेस्ट AI वेबसाइट बिल्डर है, हमने मैनेज पे क्लिक की एंड देन जो पेज ओपन होता है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इट्स अ डोमेन ओनरशिप है ना, आपको सिंपली डोमेन ओनरशिप पे क्लिक करना है एंड देन आप देख सकते हो बॉटम पे वी हैव मूव डोमेन टू अनदर होस्टिंगर अकाउंट एंड देयर वी हैव वन बटन जिसका नाम है इनिशिएट डोमेन मूव। तो सिंपली अब आपको ये जो इनिशिएट डोमेन मूव है उस पर आपको क्लिक करना होगा एंड द मोमेंट आप क्लिक करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मूव बेस्ट AI वेबसाइट बिल्डर डॉट साइट टू अनदर अकाउंट। अब यहाँ पे आपको उनका ईमेल एड्रेस ऐड करना है जिनको आप ये ट्रांसफर करना चाहते हो। जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी आप ये समझ लीजिए कि ये मेरे पार्टनर है, वो फिलहाल अपने अकाउंट से ये सब कुछ कर रहे हैं एंड उन्होंने अभी फिलहाल मेरा जो ईमेल आईडी है वो वहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, जहाँ पे दिखा रहा है डोमेन मूव इनिशिएटेड सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे एंड देन अब आपको क्लोज कर देना है। सो द मोमेंट आप ये क्लोज करते हो तो अब आप देख सकते हो कि एक स्टेटस हमें दिखाई दे रहा है दैट इज पेंडिंग कन्फर्मेशन। तो गाइस अब यहाँ पे जो पार्टनर थे हमारा, ठीक है, उनका काम खत्म हो चुका है। अब फाइनली आप ये समझ लीजिए जिनके अकाउंट बेसिकली जिनका ईमेल आईडी उन्होंने एंटर की थी उनकी ईमेल आईडी को ओपन करना है। बेसिकली अब यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट होता है, मुझे अपना ईमेल आईडी को ओपन करना होगा एंड वहाँ पे जाके गाइस जो मुझे मेल आया है आप देख सकते हो मेल, तो वहाँ पे बस मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद गाइस मैं अपना जो होस्टिंगर के अकाउंट है उसको ओपन करूँगा, डोमेन्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट मुझे आया हुआ है इनकमिंग डोमेन मूव रिक्वेस्ट फॉर बेस्ट AI बिल्डर डॉट साइट, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहा है कि इधर आई कैन डिक्लाइन और एक्सेप्ट, तो मैं एक्सेप्ट जो है उस पर क्लिक कर दूंगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि एक पॉपअप आता है जहाँ पे बता रहा है कि एक्सेप्ट मूव रिक्वेस्ट, सो यू आर अबाउट टू एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट फॉर ये वेबसाइट टू बी मूव टू योर अकाउंट, कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस वंस जब आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर ले तो एक न्यू पेज ओपन होता है जहाँ पे नाउ यू नीड टू अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द इनकमिंग डोमेन रिक्वेस्ट, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपको सिलेक्ट प्राइमरी डिटेल्स, जहाँ पे इधर आपका कंपनी है या पर्सनल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन कंपनी है तो कंपनी पे, पर्सनल है तो पर्सनल पे, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप एंड देन आपको ये जो एंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है, एकदम अच्छे से फिल कीजिएगा सब कुछ एंड एट द एंड में वी हैव अ फिनिश रजिस्ट्रेशन, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सो द मोमेंट ये करते हो आप देख सकते हो मूविंग डोमेन एंड लोडिंग हो रहा है अपना ये एंड या डोमेन मूव इनिशिएटेड एंड कंटिन्यू पे अब आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
तो अब आप देख सकते हो फाइनली एक और मुझे प्रॉम्प्ट आ गया जहां पे पेंडिंग डोमेन मूव ईमेल कंफर्मेशन। तो अगेन गाइस मैंने क्या कहा था कि आपको दो बार ईमेल आईडी चेक करना रहता, अब वापस आपको अपने ईमेल आईडी को ओपन करना है। वहां पे आप देख सकते हो कि चेंज ऑफ रजिस्ट्रेंट रिक्वेस्ट फॉर बिल्ड आई मीन बेस्ट एआई बिल्डर डॉट साइट। तो यहां पे जो सबसे पहला वाला आपको जो दिखाई दे रहा है इसको जस्ट आपको क्लिक करना होगा एंड देन गाइस आप टर्म्स एंड कंडीशन जो इसको रीड कर लीजिए एंड देन क्लोज कर दीजिए। अगर आपको रीड करना तो कीजिए, एल्स डायरेक्टली ओपन करके क्लोज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वंस ये आप कर लेते हो देन अगेन जो आपको सेकंड लिंक दिखाई दे रहा है गाइस उस सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। टू अप्रूव और डिक्लाइन दिस चेंजेस प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो। एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो चेंज ऑफ रजिस्ट्रेंट रिक्वेस्ट, वी हैव टू ऑप्शंस इधर अप्रूव एंड देन डिक्लाइन। ये फाइनल स्टेप्स है जहाँ पे आपको ऑब्वियसली चाहिए तो आपको अप्रूव जो है उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए एंड बूम गाइस सी योर अप्रूवल हैज बीन रिकॉर्डेड। एंड अब कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम्स फॉर फ्यू डेज एंड अब आपका ये जो डोमेन है जो पहले आपके पार्टनर या फ्रेंड के अकाउंट में था वो अब आपका ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है वहाँ पे अब आपका वो अथॉरिटी आपको मिल गई है। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका बिजनेस का जो फ्यूचर एकदम सिक्योर हो गया है, दिस इज इट। बट स्टिल गाइस अगर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट गाइस सो दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में आपको अपना रियल लाइफ स्टोरी सुनाया ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले, होने को तो सिर्फ एक डोमेन है लेकिन वो आगे जाके कंपनी अगर बड़ी हो गई तो भाई वो डोमेन की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ही ज्यादा। तब आपको लगा होगा मैं तो सिर्फ 300 रुपया महीने का ले रहा हूँ, ये तब वो गाइस 3 लाख 3 करोड़ का भी हो सकता है वो डोमेन की वैल्यू, समझ रहे हो। तो ऑलवेज ऑथोरिटी अपने पास रखिए, सिंपल। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजिएगा। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।